आज मेरे दिल की पुकार नहीं रे, आज मेरे दिल की पुकार नहीं रे। भैया हो भैया, भैया हो भैया, भैया हो भैया बहार नहीं रे। जवानी नए गीत गाने लगी ओ, जवानी नए गीत गाने लगी, मोहब्बत का जादू जगाने लगी, जीवन को जीवन बनाने लगी, जीवन को जीवन बनाने लगी। धरती बजाए सितार नहीं रे, भैया हो भैया, भैया हो भैया, भैया हो भैया बहार नहीं रे। धमाधम 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 धमी, चमाचम 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 चमी, धमाधम 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 धमी, चमाचम 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 चमी। किसी को किसी से शिकायत नहीं, किसी को किसी से शिकायत नहीं। आँखों से आँखें हैं चार नहीं रे, आँखों से आँखें हैं चार नहीं रे। जमाने से भागा अंधेरा है यार, जमाने से भागा अंधेरा है यार, तेरा है कुछ न मेरा है आज, तेरा है कुछ और न मेरा है आज। मोहब्बत का जागा सवेरा है आज, मोहब्बत का जागा सवेरा है आज। मस्तों की जीत नहीं हार नहीं रे, मस्तों की जीत नहीं हार नहीं रे। भैया हो भैया, भैया हो भैया, भैया हो भैया बहार नहीं रे। रस्म बाहर खेतों में लड़ाई हो गई। पाजी कैसे, कभी और लोग आए हैं खोदने आए, एक एक की खोपड़ी छोड़ दूंगा, छोड़ दो मुझे। बदमाश कहीं के निकालने आए कि नहीं, छोड़ दूंगा। माधो चुप रहो, आखिर बात क्या है? अरे इन लोगों का क्या है, जो हुक्म मिला उसको बजाने आ गए। बेईमान राजा। अच्छा देखो, तुम अपने आदमियों को लेके जरा। चलो भाई अब चलें। बलराज ये जो कुछ हो रहा है सब तुम्हारा फायदा है। माया माया करते रहते हो। माया को हमारे वार्ड की तरफ से म्युनिसिपैलिटी का मेंबर बना दिया। याकूब चाचा बात क्या है? बेटा वो ऊंचा नगर का गंदा नाला था ना, वो अब इस तरफ से निकलेगा। किसके हुक्म से? म्युनिसिपैलिटी के हुक्म से। म्युनिसिपैलिटी के प्रेसिडेंट सरकार जी के हुक्म से? सरकार जी की बेटी माया के हुक्म से। आया समझ में? आया गुस्सा कल में। सरकार जी से मिलकर बात करनी चाहिए। उस बेईमान का तो नाम न लो, की कोठी जला दो, उसे मार मार के भूर के निकाल दूंगा। मोर कहीं का सच्चा वो, उसको तो करो। बलराज ठीक कहता है, लड़ाई से कोई फायदा नहीं, सरकार जी से जरूर बात करनी चाहिए। आओ बलराज। आया ख्याल है शरीफ में। मैं इस वादी में नई तर्ज की इमारतें बनवाना चाहता हूं। अभी इस वादी में दलदल है। हमारे शहर ऊंचा नगर के सब नाले और नालियां बड़े नाले में गिरते हैं। बड़ा नाला जाकर इस वादी में गिरता है और इसके पानी से वादी में दलदल रहती है। अगर बड़े नाले का रुख किसी और तरफ को मोड़ दिया जाए तो दलदल सूख जाएगी और मकानात के लिए बहुत अच्छे टुकड़े निकल आए। सवाल यह है कि नाला मोड़ा किधर जाए? हमारा शहर इधर तीन तरफ से ऊंचे पहाड़ों से घिरा, चौथी तरफ 1000 फुट नीचे नीचा नगर। मेरा ख्याल है कि नाला पहले इधर ही से गुजरता था, इसलिए अगर फिर इसे उसी तरफ मोड़ दिया जाए तो क्या हर है?
मेरे इंजीनियर कहते हैं कि रास्ता साफ करने में 6 महीने से कम नहीं लगेंगे। मैं चाहता हूं कि ये काम जल्द से जल्द हो जाए, इसीलिए आपको बुलाया। तो नारा कौन मोड़ दीजिए मिस्टर सरकार, तो अपना रास्ता खुद साफ कर लेगा। बात तो ठीक मालूम होती। हाँ इंजीनियर साहब ठीक है, लेकिन रास्ते में इतने मकान जो पड़ते हैं। उनकी फिक्र न कीजिए माया देवी, वो अपनी देखभाल खुद कर लेंगे। पिताजी अगर नाला नीचे नगर से जाए तो उसको ऊपर से ढका हुआ होना चाहिए। नाले के ढकने में जो सर्फ होगा उससे इमारतों की 4 गुना इमारतें बन सकती हैं। बेटे अगर ये काम अब न हुआ तो फिर कभी नहीं हो सकेगा। क्यों? नीचा नगर वाले शरारत पर आमादा है और हमारे मजदूरों को रास्ता साफ नहीं करने देंगे। शरारत पर आमादा है? देखा माया देवी, वो चाहते हैं कि रास्ता साफ किए बगैर नारा उधर मोड़ दिया जाए, वही तो मैं कहता हूँ। फिर बेचारे नीचा नगर वालों को घर छोड़ छोड़ भागना पड़ेगा। माया तुम्हें नीचा नगर वालों के गंदे गंदे मकान और टूटे फूटे झोंपड़े अच्छे मालूम है? क्या बुरा रहेगा अगर वहां भी साफ सुथरी इमारतें मिल जाए? हाँ बुरा तो न रहेगा, मगर हम यहाँ मकान बना कैसे सकते हैं जब तक कि नीचा नगर वाले जमीन खाली न करें। नीचे नगर का लोग आया है। मैं मारूंगा जरूर। हाँ जरूर गला घोट दूंगा। खबरदार बलराज दब कर बात न करना। बलराज हाँ माधव, हमें बड़े मजे की बात सूझ गई। वो क्या? हमारे ख्याल में सरकार जी से अंग्रेजी में बात करना चाहिए ताकि वो भी समझे कि हाँ। ख्याल तो अच्छा है। पान सिगरेट लाओ। अजलात तशरीफ रखिए, कुर्सियां हाजिर हैं। तो क्या बात है? हजरा तकल्लुफ न फरमाइए। आप बताएं क्या शिकायत है? नाला हमारी तरफ से। आप बताएं। हजूर नाला नीचे नगर से। But you see what I want to say, you see what I mean, that the daddy nala should not go there, you see. Yes, very good. बलराज साहब आप बताएं। इतनी जबानों से सुनकर भी आपको पता नहीं चला कि क्या बात है? आप फरमाइए हकीम याकूब खान साहब।
जरा यह तो बताइए नाला हमारी तरफ क्यों आ रहा है? डॉक्टरों का ख्याल है कि अगर वादी में दलदल कुछ दिनों और रही तो सारा शहर बीमारियों का शिकार हो जाए। तो ये काम सारे शहर के फायदे के लिए हो रहा है? बेशक। सरकार जी, क्या ये सही नहीं कि आपने वादी की सारी जमीन सस्ते दामों खरीद ली है, और अगर वहां की दलदल सूख गई तो आपको करोड़ों का फायदा होगा? हकीम याकूब खान साहब, नाला शहर को बीमारियों से बचाने ही के लिए तो मोड़ा जा रहा है। बाहर तो और इस मसले पर दोबारा बातचीत हो सकती है। आप हजरात में से दो एक नुमाइंदे परसों यहां चले आए तो ये सब बातें तय हो जाएंगी। आप चले आइए और सागर साहब तशरीफ ले आए। हाँ, बलराज साहब भी चले आए। तो आप हजरात तशरीफ ले जाए। बलराज गधा है, यहाँ किसी ने जोश दिलाया कि आपे से बाहर हो गया। जरा नहीं देखता कि कौन आदमी है, किस पोजीशन का है, रेखे भी जाता है। गया है सरकार से लड़ने, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगुआ तेली। तो भाई साहब गंदा नाला निकल आने देते। बलराज इतनी बड़ी बारात लेकर गया, क्या उसे सरकार डह जाएगा और नाला न निकालेगा? ऐसी बातों से कुछ नहीं होता रूपा, और अगर नाला आया भी तो हमारे घर से तो दूर रहेगा। बनाई सवारी पिछवाड़े डाली, तुम ना बताना, तुम जानते हो
बच्चों नहीं बचाओ, चलो हम बाहर चले। वो तो रूपा चली आ रही। भैया क्या हुआ? कुछ नहीं, सरकार जी ने पर्स में बुलाया। मुझे भी बुलाया रूपा। तुमको भी? तो पर्स में क्या होगा? होगा क्या, मुझे तो कुछ भी उम्मीद नहीं। सरकार जी आदमी बड़ा ही चालाक। रूपा तुम तो मिलने का मौका ही नहीं देती हो। कैसे मिलूं? फिर मुझे चुपकर मिलना भी तो अच्छा नहीं लगता। तुम मेरी तमाम आरज़ूओं और उम्मीदों की क्षमा बन गई हो। मैं काम करूं या खाली बैठूं या अपनी आने वाली जिंदगी को सोचूं कि कैसे कैसे दिन गुजरेंगे, तो तुम साथ नजर आती। मैं तो तुम्हारी हूँ ही। हाँ हो तो, मगर कहाँ हो, हो जाओगी, देखें कब वो दिन आता है। अरे देखो तुम्हारे लिए एक चीज लाया। अरे नहीं, होंठों पे लगाई जाती, बहुत अच्छा लगता है। हसरत तो यह है कि तुम्हें रानी बना के रखूं, कोठी हो, मोटर हो, बाग हो, मगर अफसोस यहां तो भी कुछ ही नहीं। कैसी भोली बातें करते हो, कैसी भोली बातें करते हो। दुनिया में रुपया ही सब कुछ नहीं होता। तुम माया को नहीं समझती हो। मैं लड़की हूँ इसलिए माया का दिल तुमसे ज्यादा अच्छी तरह समझती हूँ। माया बड़ी समझदार लड़की है, वो तुम्हारी बात जरूर मानेगी, उसे तुमसे अब भी प्रेम है। वो दिन बीत गए, हर छोड़ो इस बात को, अभी तो गंदे नाले का झगड़ा चुकाना है। इस बात में माया को हमारी मदद करनी चाहिए। अगर तुमको होगी तो मेरा क्यों ना करेगी। नहीं रूपा, तुम माया को नहीं समझी हो। उसका दिल जरूर प्रेम का मंदिर है, लेकिन दिमाग बनिए का वही खाता है। अगर यूं ही माया की बातें करते रहो तो शायर बन जाओ। हजूर, हजूर, मुझे पूछ रहे हो? जी, क्या है? सरकार जी ने आपके लिए खत भेजा है। आऊंगा, जरूर आऊंगा। तुम चलो, मैं ही आता हूं। अब कमू, ओ कमू, अबे कहां मर गया कुत्ते के बैठे। और चाय? शुक्रिया, 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 लेजर, शुक्रिया, शुक्रिया, एक और लेजर, शुक्रिया, शुक्रिया। क्या चमचे? शुक्रिया, शुक्रिया। वो तो कहिए, लोगों ने नाम धरने को इसे नाला कहना शुरू कर दिया, वरना कहाँ का नाला और कहाँ की गंदगी। अरे साहब, वो तो अच्छी खासी नहर है, अलबत्ता जहाँ पानी बहता है वहां थोड़ा बहुत कूड़ा करकट साथ बहकर आ ही जाता, और अगर ऐसा हो भी तो जो माइल कुचैल है वो रास्ते में तह पर बैठकर रह जाएगा और बीचा नगर साफ सुथरा पानी पहुंचेगा। चरवाहे मवेशियों को पिलाएंगे, धोबी कपड़े धोएंगे और किसान खेतों को पानी देंगे। और अगर थोड़ी बहुत गंदगी फैल भी गई तो हम अपने आदमियों से साफ करा लेंगे। नहीं सागर साहब, हम ये नहीं चाहते कि नहर की वजह से जरा भी गंदगी फैले, बल्कि हमारी ख्वाहिश तो ये है कि अगर हमें कोई दयानतदार और मेहनती आदमी मिल जाए तो नहर की सफाई की तमाम जिम्मेदारी उसके सुपुर्द कर दी जाए। म्यूनिसिपैलिटी इस काम के लिए 300 रुपए माहवार देने के लिए तैयार। तो
फिर सागर साहब आप क्यों नहीं? हाँ, अगर सागर साहब मान जाए तो क्या ही कहना है जी। ये तो अपने लोगों की सेवा करना है और आपको हुक्म बजा लाना है, भला मैं कैसे इनकार कर सकता हूँ? हो सागर साहब, तो ये बात तय हुई? जी हाँ। आप बलराज को भी क्यों नहीं समझाते पिताजी? इन फिलों में तेल नहीं। आप बलराज जी को क्यों नहीं समझाते? जी के खच्चर भी मरने से घोड़े बनते, ये हम ही थे जो बात समझ गया। कोशिश कर देखिए। मैं जी मेरे मान का नहीं। अच्छा, उन्हें मेरे पास भेज दीजिए। सलाम साहब, फरमाइए। वही जो रोज खाते हैं, चिकन सैंडविच और कॉफी। हाँ, कॉफी अच्छी गर्म हो जी। अरे भाई जोसेफ, जरा जल्दी लाना, हमें जाना है। फिर ये आखिरी मुलाकात। तुम अपनी मजबूरियों और कमजोरियों का शिकार बन गई। बलराज, माया, सागर न जाने कहां चला गया है। बलराज भाई, तुम लोग आए नहीं, सागर न जाने कहां खर्च हो गया है। कहां जा सकता है? सरकार जी आखिर कहेंगे क्या? बात टालने की कोशिश करेंगे। हेलो, हाउ डू डू, माफ कीजिएगा मुझे जरा देर हो गई, मगर मैं सब तय कराया हूँ, आप कोई फिक्र न कीजिए, सब काम बन गया। क्या तुम? आप तय कराए? आप सरकार जी से मिलने गए थे, नाला इधर नहीं आएगा। नाला क्या, नहर है, धोबी कपड़े धोएंगे, किसान खेतों को पानी देंगे, चरवाहे मवेशियों को पिलाएंगे, और अगर गंदगी हुई भी तो सफाई का इंतजाम तो अपने हाथों में है। निकल जाओ यहाँ से। भैया। अरे वाह, निकल जाओ। याकूब चाचा, देखिए ना मैंने क्या बुरा किया, नाला जैसे निकल कर रहेगा, न उसे मैं रोक सकता हूँ, न सब नीचे नगर वाले मिलकर। दगाबाज, बेचा है अपने आप को। यही बात थी जो सरकार जी हमसे कहना चाहते थे। दो बातें मैं भी उससे कर रहा हूँ। बलराज, बलराज, बलराज,
रूपा, जो कुछ मैंने किया है तुम्हारे लिए किया है। अब तुमको सच में किरानी बनाऊंगा, कोठी होगी, नौकर होंगे, कुछ दिनों तक कार भी आ जाएगी। रूपा, क्या तुम भी मुझे बुरा समझती हो? रूपा मेरी तरफ देखो, मैंने क्या बुरा किया रूपा? हजारों आदमी सरकारी के मुलाजिम है भाई, मुझमें हिम्मत नहीं है सरकारी का मुकाबला करने की। मैं घर चाहता हूँ, बीवी बच्चे चाहता हूँ। रूपा रूपा रूपा, मिस्टर सरकार, आप बिला इजाजत अंदर क्यों चले आए? जब तक के नीचा नगर का एक आदमी भी जिंदा है, नाला हमारी बस्ती से नहीं गुजर सकता। तुम बिला इजाजत अंदर क्यों चले आए? नाला हमारी बस्ती से नहीं गुजर सकता। मैं आपकी सब चालें समझता हूँ। आप पैसे से हमारा ईमान, हमारी जमीन, हमारी तंदुरुस्ती सब खरीदना चाहते हैं, मगर याद रखिए, ऐसे दिल भी हैं जो आपके फंदों में नहीं फंस सकते। खामोश। अब खामोशी का जमाना गुजर चुका। खामोश बदमाश, चपरा से इसे बाहर निकाल दो। याद रखिए सरकार जी, ये सारा कमान निकाल दो। आप कैसे बदकार, निकाल दो, चार बार निकाल दो। नीचा नगर में निकल गया हो? दलदल का पानी भी, दलदल का पानी भी नाले में जा रहा। बहुत खूब इंजीनियर साहब। दो तार भिजवा दो, एक बंबई के एजेंट को, लिखो कि 90 लाख रुपए का फौरन इंतजाम करो। ऐसा ही एक तार कलकत्ते के एजेंट को भेजा। उठो, हमें वक्त की गर्दिश ने पुकारा है। हमें वक्त की गर्दिश ने पुकारा हमें वक्त की गर्दिश ने पुकारा। हंसते हुए खेतों में उगे भूख के पौधे,
तब तक भला होता ये जमाने को गवारा, हमें वक्त की गर्दी से पुकारा, हमें वक्त की गर्दी से पुकारा, इंसान के ऐलान से दुनिया को जगा दे, सूखे हुए होठों को नए राग सिखा दे, तहजीब की लाशों में नई जिंदगी भर दे, उजले हुए इंसान को इंसान बना दे, उजले हुए इंसान को इंसान बना दे, उठो के झुको दे न कहीं वक्त की तारा, उठो के झुको दे न कहीं वक्त की तारा, हमें वक्त की गर्दी से पुकारा, उठो के हमें वक्त की गर्दी से पुकारा, जागी हुई राहें नई मंजिल को बढ़ेगी, जागी हुई राहें नई मंजिल को बढ़ेगी, हर दिल को नए जोश से आबाद करेंगे, हर दिल को नए जोश से आबाद करेंगे, खामोश निकाहे नहीं खामोश रहेगी, खामोश निकाहे नहीं खामोश रहेगी, आजाद है आजाद है आजाद रहेंगे, आजाद रहेंगे आजाद रहेंगे, मरना भी हमारा है तो जीना भी हमारा, मरना भी हमारा है तो जीना भी हमारा, उठो कि हमें वक्त की गर्दी से पुकारा, उठो कि हमें वक्त की गर्दी से पुकारा, उठो कि हमें वक्त की गर्दी से पुकारा। सलाह सर आप लोगों का ने उसकी हिम्मत बढ़ाई। आप क्या काम करते हैं सागर साहब? किस बात के मुलाजिम हैं आप? नाले की सफाई, नाले की सफाई। आपका काम था नीचे नगर के बदमाशों की खबर लेना। माधव जी आप क्या करते हैं? आपको हजार हजार रुपया खर्च करके म्युनिसिपैलिटी का मेंबर बनाया गया है। क्यों? आपका फर्ज था कि इस लफन के बलराज और इसके हमराहियों को रास्ते पर लाओ। आए हैं मुझे समझा, काम नहीं हो सकता तो चले। मगर याद रखी, सरकार एक दिन में नीचा नगर वालों को बता सकता है कि उनकी हकीकत क्या है। चले जाइए। मेरे ख्याल में इन नीचा नगर वालों को पानी काट दो, फिर खुद ही सरकारी की खुशामद करने आएंगे। हाँ ठीक है, ठीक है ना। बैठो बेटी। कल से आज तक मीठा नगर में 25 लोग और बीमार पड़ चुके हैं। हाँ बेटी, मैं उनको देखकर और दवा देकर आ रहा हूँ। इस रोग में प्यास बहुत है, बीमारों की तादाद बढ़ती जा रही है। पानी पिलाना बेटी। या कुछ चाचा, हमारे बच्चे को बड़े जोर से बुखार चढ़ा है, आंखियां नहीं खोलत है। आओ बहु भगत है या कुछ चाचा। चलो बेटी। पानी लाती हूँ या कुछ चाचा। वहीं चल के पी लेंगे बेटी। मैं भी आपके साथ चलती हूँ। तो कब है? बलराज तुम शामू के यहाँ हो आना, बेचारा बहुत बीमार है, तुम्हें याद करता था। जी मैं अभी जा रहा हूँ। बस पानी 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 अभी लाती हूँ।
पानी 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 आ रहा है बेटा। रूपा पानी जल्दी लाओ। रूपा जी, कोई दवा हो तो जल्दी लाना। अभी लाए। मुंह खोलो बेटा, पानी दो। अभी लाती। अभी लाई नहीं पानी। रूपा रूपा पानी जल्दी। नगर में खबर उड़ाती है कि निशानगर में छूत की बीमारी है। चश्मों में भी नाले का गंध है, कुओं में भी। बलराज तुम जाकर मैया देवी से बात करो ना। हाँ बलराज, तुम्हें जाना चाहिए। मैं भी म्यूनिसिपैलिटी में जाकर किसी से मिलने की कोशिश करूंगा। इतने में वो पहाड़ी पर जो चश्मा है वहां से पानी क्यों ना लाया जाए। जन्म जन्म से क्यों घेरे
जन्म जन्म से क्यों घेरे हैं आंखें तरह खुशी नहीं है आंखें तरह खुशी नहीं है अपनी नगर नगर नहीं है अपनी नगर नगर नहीं है कब तक ये दुख कहते हैं कब तक सुख के मौत रहेगी कब तक जुल्म की घात रहेगी कब तक गहरी गात रहेगी लतीफा है माया जी आपने मेहमानदारी तो खूब की लेकिन एक कमी रह गई फरमाइए आपने गाना नहीं सुनाया माफ कीजिएगा मेरी आवाज कुछ बैठी हुई ऐसा साफ तो आप बोल रही हैं बिटिया राजकुमार जी फरमाइश कर रहे हैं जी अच्छा हजूर बलराज जी आए हैं माफ कीजिएगा बिटिया उसे इंतजार करना पिताजी बात बहुत जरूरी होगी शायद तो उन्हें यहाँ बुला लीजिए अच्छा तो जल्दी से जाकर उसे मिलकर वापस चले आओ मैं समझता था कि शायद आप पार्टी से उठकर ना आते जी हाँ आज पिताजी ने राजकुमार के लिए पार्टी दी है यूं ही पार्टी दी है जी हाँ जिन्हें वो मेरा गाना उनको सुनाना चाहते थे ये बात तो सुनाया आपने सुनाने जा रही थी कि आपका बुलावा आ गया माया आप कुछ कहना चाहते हैं हाँ कहना चाहता था ये कहना चाहता था कि आप लोग रंगरलियां मना रहे हैं मल्हारें गा रहे हैं और आपके चंद कदम के फासले पर हजारों इंसान मुसीबतों में तड़प रहे हैं हमने फरियादें की खुशामदें की मगर आपके पिताजी के कान पर जूं तक नहीं रहेंगी वो जालिम वाली से नाला हटाकर कई इमारतें बना चुका है और अब उसकी आंधी से रंगरलियां मना रहा है गरीबों के खून से होली खेलता हमेशा पिताजी की ऐसे ही हम लफंगे हैं ये वो लफंगे हैं जिन्होंने कई बीमारों और बच्चों को प्यास से मार दिया है नीचा नगर में पानी की एक बूंद नहीं क्योंकि आपके शरीफ पिताजी ने नल कटवा दिया है ऐसा नहीं हो सकता ऐसा नहीं हो सकता मैं अभी पिताजी से जाकर पूछती हूँ पिताजी, क्या ये खबर ठीक है कि आपने नीचा नगर वालों का पानी बंद कर दिया है पानी बंद कर दिया है मैंने मुझे नहीं खबर सागर साहब ये सर जी हजूर ये मैं क्या सुन रहा हूँ नीचा नगर वालों का पानी बंद कर दिया गया है पानी हाँ जी मुझे तो खबर नहीं शायद बंद हो गया हो हाँ साहब बात दरअसल ये है कि वहाँ नल की जरा मरम्मत यानी के बात यह है कि हाँ हाँ मैं समझता हूँ मगर नल की मरम्मत बहुत जल्द हो जाना चाहिए शिकायत का मौका क्यों देते हैं आप तो ये बात दुरुस्त है सुना है वहाँ कोई बीमारी फैल रही है कहते हैं कई बीमारी नाले की वजह से फैल रही है बीमारी क्या बकवास कर रहे हो नाला इसे नाला कौन कहता है ये तो नहर है बीमारी फैल रही है बीमारियां तो फैला ही करती हैं अगर नहर ना होती तो बीमारी ना फैलती
बीमारी की रोकथाम जरूर होनी चाहिए। राजकुमार जी, बीमारी की रोकथाम तो भगवान ही कर सकते। ये जो मैं इमारतें बनवा रहा हूँ किस लिए बनवा रहा हूँ? इसीलिए कि इनका पैसा गरीबों के काम आए। हाँ, बीमारी की रोकथाम तो होनी ही चाहिए, जरूर होनी चाहिए। सागर साहब, मेरी तरफ से जाकर ढंडोरा पिटवा दो। निजानगर में सरकार जी एक अस्पताल खुलवा रहे हैं जिसमें सबका इलाज मुफ्त होगा। दूसरा ऑर्ड में ले जाओ, इधर जगह नहीं है।